केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पिता तथा हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती पर आज उन्हें रेवाड़ी में याद किया गया। नारनौल रोड स्थित उनके स्मृति स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव सहित भाजपा के जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह यादव, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, अजय पटौता सहित अनेक लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राव बीरेंद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कद रहा है। वे बहुत सच्चे और दमदार नेता रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बात कही वो हमेशा उस पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों और मजदूरों का विशेष ख्याल रखा और इलाके के लिए अनेक विकास कार्य कराए, इसलिए इलाके के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के दिग्गज नेता राव बीरेंद्र सिंह जी की आज जयंती है और उस मौके पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और जिस तरह से राव बीरेंद्र जी का एक बहुत बड़ा कद रहा है और एक बहुत सच्चे और दमदार नेता वो रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे या केंद्र में मंत्री रहे किसानों का मजदूरों का विशेष ख्याल रखा और हल्के के लिए इलाके के लिए उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए। तो आज मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और जो हमारे जनता है वो भी उनका अब तक मान सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी। वहीं कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने राव बीरेंद्र सिंह को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राव बीरेंद्र सिंह एक सम्मानित नेता थे और जब तक यह दुनिया रहेगी उन्हें याद किया जाता रहेगा। राव बीरेंद्र सिंह जी का आज 100वीं जन्म जयंती हम आज मना रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए हैं। और क्योंकि उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं, रहती सृष्टि उनको याद किया जाएगा। रेवाड़ी से वी न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट।